Hello guys, welcome back to my channel. I am Simran. So yes, Dot & Key have revealed the full ingredient list of their product. And मैंने ये Dot & Key का hyaluronic acid serum तब खरीदा था जब I was like ingredients ये कौन चेक करता है. But thanks to Dr. Vanita Ranhatan, Dr. Dre, Dr. Shirin Idris, Hyrum जिन्होंने मुझे inspire किया कि मैं किसी भी product को खरीदने से पहले उसके ingredients check करूँ. So yes, here I am with my review on Dot & Key hyaluronic acid serum with vitamin C in it. Coming to the product, even after they have disclosed the full ingredient list of their product, I am not quite impressed with the product because अगर वो ingredient list disclose नहीं भी करते तो भी साफ पता चल रहा है कि इस product में बहुत ज़्यादा smell है, like tons of fragrance in it. And I don't think so. In skincare we require fragrance. Fragrance is not a good friend. Fragrance is enemy. एंड आप में से जो लोगों को लगता है कि अरे हमारी तो सेंसिटिव स्किन नहीं है, फ्रेगरेंस हमारा कुछ नहीं करती है, देन लेट मी टेल यू कि फ्रेगरेंस का जो इफेक्ट होता है वो क्यूमुलेटिव होता है. वो आपको अभी नहीं पता चलेगा पर कुछ साल बाद आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, ड्राई हो सकती है, आपकी स्किन का जो नेचुरल बैरियर है वो भी बिगड़ सकता है. दैट्स वाई आई अवॉइड द प्रोडक्ट्स दैट हैव फ्रेगरेंस इन इट. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि फ्रेगरेंस इज जस्ट अ वन वर्ड. इट कैन हैव एवरेज 30 to 50 केमिकल्स इन इट. तो इसमें फ्रेगरेंस तो है ही है, प्लस इसमें जो एक प्रिजर्वेटिव यूज़ किया है जो कि है मिथाइल सोथलो जोरी लिनॉन, दैट इज़ द प्रिजर्वेटिव विच इज़ जनरली यूज इन द रिंस ऑफ प्रोडक्ट. जैसे शैम्पूज होते हैं आपके, फेस वॉश होते हैं. सो प्रोबेबली दिस इज़ नॉट द बेस्ट इंग्रेडिएंट टू यूज़ इन अ सीरम और क्रीम. एंड ऑल्सो गाइज, जब मैं उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट चेक कर रही थी तो मुझे पता चला कि जो हाइलोरोनिक एसिड है वो 5th पोजीशन पे है और जो उनके साइट पे एफएक्यूज थे उसमें लिखा हुआ था कि हाइलोरोनिक एसिड इज़ 90%. तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई भी इंग्रेडिएंट 90% है तो एटलीस्ट वो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड इंग्रेडिएंट होना चाहिए इंग्रेडिएंट लिस्ट में. बट इट वॉज एट द 5th पोजीशन एंड आई डोंट अंडरस्टैंड वाई. लाइक इट्स माई पर्सनल क्वेस्ट, अगर आप में से किसी को पता हो कि ऐसा हो सकता है 90% वाला इंग्रेडिएंट भी पोजिशन पर आ सकता है, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो.